एक महीने पहले इतना कुछ नया पढ़ने का रहता नहीं है, तो बच्चों को यही करना चाहिए कि जो उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं या जो उनको उन्हें पढ़े हुए हैं टॉपिक्स, उनको ठीक से रिवाइज करें। हर कोचिंग में इस टाइम पर टेस्ट सीरीज वगैरह चलती रहती है, तो उसमें रिग्रेसली टेस्ट अटेंड करें। फॉर्मूले का रिविजन जरूरी है, तो टेस्ट में अपियर करना है, उसमें गलतियाँ अपनी रेक्टिफाई करनी है और फॉर्मूलाज जो हैं वो टिप्स पे रखने हैं। अगर इतना बच्चे कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा एक महीने में कर सकते हैं। Hello everyone, welcome to the podcast series of Minute. And today we have with us Prateek sir. And Prateek sir से आप पिछले podcast series में जो हमारे पिछले episodes रहे हैं उनमें आप मिल ही चुके हैं. तो Prateek sir अब एक महीना रह गया है NEET exam में और physics I think by far बच्चों को सबसे difficult लगता है, तो अभी उनकी क्या strategy होनी चाहिए एक महीने में? देखिए, एक महीने पहले इतना कुछ नया पढ़ने का रहता नहीं है, तो बच्चों को यही करना चाहिए कि जो उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं या जो उनको उन्हें पढ़े हुए हैं टॉपिक्स, उनको ठीक से रिवाइज करें, उन पर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें और मेनली टेस्ट में अपियर करें। हर कोचिंग में इस टाइम पर टेस्ट सीरीज वगैरह चलती रहती है, तो उसमें रिग्रेसली टेस्ट अटेंड करें, टेस्ट का एनालिसिस करें, क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, कौन से चैप्टर्स में आप गलतियाँ कर रहे हैं वो देखें और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। और दूसरा एक चीज ये रहेगी कि फॉर्मूलाज, जैसे खासकर फिजिक्स में बच्चे भूल जाते हैं लास्ट टाइम पे, तो फॉर्मूले का रिवीजन जरूरी है, तो टेस्ट में अपियर करना है, उसमें गलतियां अपनी रेक्टिफाई करनी है और फॉर्मूलाज जो हैं वो टिप्स पे रखने हैं। अगर इतना बच्चे कर लेते हैं तो काफी अच्छा एक महीने में कर सकते हैं। वंडरफुल। एंड आई थिंक बच्चों आप सभी के लिए यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज है कि सर ने बोला टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनालाइज भी करना है उस टेस्ट सीरीज को, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सो प्रतीक सर अब केमिस्ट्री की भी बात करते हैं कि केमिस्ट्री में रिविजन कैसे कर सकते हैं एक महीने में। देखिए, केमिस्ट्री में अगर करना है तो फिजिकल की अगर अपन बात करें तो उसमें वही है कि फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे बच्चे को, राइट? इनऑर्गेनिक में ऐसा है कि एनसीईआरटी पढ़ लें या फिर जो आपके टीचर्स ने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है चीजें याद करने के लिए, उनको फॉलो करें। और ऑर्गेनिक में मेनली जो है वो जो नेम रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उनको रिवाइज कर लें तो वो हो जाएगा। और उसमें भी फिर यही है, जैसे केमिस्ट्री में भी अगर टेस्ट में बच्चा अपियर करेगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बच्चे की हो जाएंगी, राइट? तो देखिए क्या होता है ना, कोई भी प्रिपरेशन है कोई भी एग्जाम की, तो वो तीन स्टैंड्स पे खड़ी होती है कि आपका लेक्चर हो गया, आपकी सेल्फ स्टडी हो गई और टेस्ट हो गए। अब लेक्चर और सेल्फ स्टडी वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया, अब केवल जो प्रिपरेशन है वो टेस्ट के थ्रू होगी, राइट? राइट। तो बच्चा टेस्ट में अगर अपियर करेगा और उसको एनालाइज करेगा जैसे हमने बात करी, तो डेफिनेटली उसका जो वन मंथ में जो होना चाहिए एक्चुअल रिवीजन वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर फिजिक्स में लेट्स से कि किसी बच्चे का ना टेस्ट में वो मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं अच्छे जो वो सोच रहा है कि आ जाए, तो अब एक महीने पहले उस बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्क्स क्यों कट रहे हैं। अगर ऐसा है कि पढ़ाई नहीं है या फिर बहुत सारे चैप्टर्स वीक है, तो फिर कुछ बहुत आसान चैप्टर्स जो है जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया है ना, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, तो इस तरह के चैप्टर्स कर ले बच्चा, तो उसमें से आप ये मान लीजिए कि कुछ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आते हैं और आसान भी होता है उनको करना, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, तो वो बच्चा फिर कर सकता है। उनको कुछ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं जैसे मैग्नेटिज्म है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आजकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बच्चा कर ले, ग्रेविटेशन कर ले, तो ये कुछ सरल टॉपिक्स हैं जो बच्चा कर लेगा अगर, तो उससे उसको एनसीईआरटी से या देखे हुए सवाल मिल जाएंगे, तो इन पर फोकस कर सकता है। अगर बिल्कुल ही कम नंबर आ रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए 50-60 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, तो ये कर सकता है। अगर मान लीजिए कि 100 मार्क्स प्लस आते हैं बच्चे के, तो फिर उसको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो क्या गलत कर रहा है, तो वो गलतियां एलिमिनेट कर ले अकॉर्डिंगली देखकर अपने।